कि दोस्तों हम चित्रकूट के जंगल आए हुए हैं और यहीं पे एक ठो संत रहते हैं, आज उन्हीं की खोज में आए हैं। अभी चलेंगे उनके दर्शन करेंगे, सत्संग लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कैसा घनघोर जंगल है यहाँ पे, देखिए किस तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। जो दोस्तों ये वृक्ष आप देख रहे हैं ये तेंदू के वृक्ष है और इन्हीं के पत्तों के दोस्तों बीड़ी बनती है। ये पत्ते जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये तेंदू का पत्ता है दोस्तों, और इसी पत्ते की बीड़ी बनती है। जो बीड़ी बनती है यही पत्ता यूज होता है उसमें। मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा घनघोर जंगल है और यहाँ पे कोई नहीं आता जाता, हम लोग पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। काफ़ी घनघोर जंगल के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे एक चट्टान दिखी है, यहाँ पे थोड़ी बैठ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप भी है और धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, थकान भी थोड़ी सी लगाई थी, सांस भी फूलने लगी है। तो अभी चलेंगे, थोड़ी सी आराम कर लें यहाँ पे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जंगल में हमको एक चट्टान मिल गई है, यहाँ पे थोड़ी बैठ लेते हैं, थोड़ी आराम कर लेते हैं और उसके बाद आगे का सफर चालू करेंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा घनघोर जंगल है। आइए चलते हैं आगे, इधर से चलते हैं। माता जी का चूल्हा है, यहीं पे भोजन प्रसादी शाम को बनता है, एक टाइम ही भोजन प्रसादी बनता है। कुटिया दोस्त देख सकते हैं, पन्नी छाई हुई है ऊपर से और नीचे टट्टा लगे हुए हैं, देख सकते हैं पन्नी उन्नी लगा के माता जी अंदर रहती हैं, यहीं पर रह के भजन करती हैं। देख सकते हैं दोस्तों माता जी कुटिया है। सीताराम माता जी, जय सीताराम। ये माता जी आपकी सेवा में थोड़ा सा है, बहुत से बेटा यार, तुम्हारे भगवान और कल्याण करे खूब भगवान, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी शादी शुदा बढ़िया खुशी से रहे ना बस माता जी, तुम्हें कोई दंड फंड नहीं लगे, आप चाहे जहाँ रहो, चाहे जहाँ जिस रास्ता से निकल जाओ, कोई छूने वाला नहीं है, अब भगवान की मर्जी है बेटा, भगवान की दया है। ठीक है माता जी, जैसी जैसा कि दोस्तों हम माता जी की कुटिया तक आ चुके हैं, तो माता जी जय श्री राम। जय श्री राम। माता जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा जी, हमारा नाम है लीलाबाई। लीलाबाई हाँ। तो माता जी आप कितने दिनों से मतलब संत जीवन में हैं आप? हमको हो गए कम से कम 10-12 साल। 10-12 साल हाँ। तो क्या माता जी आप 10-12 साल से इसी कुटिया में रह रही हैं? आप ये नहीं, पहले तो रहा कुछ दिन दूसरी जगह। अच्छा, 4-6 महाराज जी हमारे फिर आ गए तो हम उससे पहले रहते रहे। अच्छा, इनके बाद फिर हम भी आ गया। अच्छा अच्छा, तो अब हमको हो गया 10-12 साल कुटिया में हो गए, तो अभी इतने दिन हमको हो गए आए नहीं। 10-12 साल हो गए आपको आए? अब हम संत बने तो हमारे महाराज तो बहुत दिन से कम उन्हें 2500 साल हो गया। अच्छा हाँ, तो माता जी मतलब आप ग्रस्त जीवन से हैं? हाँ रहे हैं पहले पे, अब तो छोड़ दिया बेटा। अच्छा, अब नहीं है। तो माता जी आपके लड़के बच्चे भी होंगे? लड़के भी, एक लड़का है, एक लड़का हमारे पास तो लड़का है, अपने गांव में है। अच्छा, अपना करते खाते है, शादी वादी कर दी? शादी ब्याह नाती नटको सब है, सब कुछ। हाँ, दो हमारी लड़कियों भी अपने घर द्वार है। अच्छा, तब हम अपना बैराग लिया है। मतलब आपकी जो जिम्मेदारियां थी उनको आप पूरा करके? हाँ, जिम्मेदारी जो है तो सब पूरी कर दिया है जी। हाँ, तो माता जी आपके पतिदेव भी आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, वो भी संत हो गए? वो भी संत, वो तो पहले से है। अच्छा, पहले से आपसे? हाँ, पहले संत? हमसे पहले वो हो गए। अच्छा हाँ, बता दिया ना कि उन्हें कम से कम 20-25 साल हो गए। अच्छा हाँ, तो माता जी मतलब बहुत से लोग हैं जो मतलब पति अगर सन्यासी हो गए तो वो नहीं आना चाहती साथ में, वो घर में ही रहती हैं, लेकिन आप घर त्याग दिए उनके लिए। देखो अब आप पति जहाँ हैं, अब हम भी रहना चाहते हैं जी, तो का को नहीं, वो तो नहीं, गलत तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ गलत नहीं है माता जी। हाँ? माता जी घर में जो सुविधाएं हैं वो तुम्हारा यहाँ पे नहीं है माता जी? अब बेटा सुविधा हमसे में क्या, हमें तो भजन करना जो है तो हम टूटी फूटी झुकरिया पढ़ने को हमें पर मिले जी, और अपना जो भोजन भगवान दिए तो मिले जी, यही हमको है। हाँ, अब हमको क्या करना माता जी? कभी अब आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं सब छोड़ छाड़ के घर जाऊं? नहीं, अब हमको यह नहीं लगता जी। हाँ, बच्चों के पास, नातियों के पास, बच्चों के बाद पता रहता सब मिल जाता है, फोन पर से बात हो जाती है। अच्छा, अब भी जब भाता बच्चा हो जाते हैं। अच्छा हाँ, जब कहीं भाई मान लिया की जरूरत थी, हम भी हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी आप जाती हैं? हाँ, रहती हैं परमानेंट यहीं पे? हाँ, रहते हैं जी। हाँ, तो माता जी पहले का आपका जो जीवन था संत मतलब ग्रस्त जीवन और अब संत जीवन में है, तो दोनों में माता जी क्या फर्क है?
अब देखो ग्रेट में है तो ग्रेट में फंसे रहो, ग्रेट की करो जी आप सब लोग का देखो सुनो, जी भजन में है तो देखो भजन करो, जी अपनी भजन भरे का अपनी जिम्मेदारी है जी हैं, और बाकी यह गृहस्थ हमसे मतलब नहीं है, जी यही फर्क है। तुम्हारा माता जी मतलब ग्रस्त में रह के भी तो भजन कर सकते हैं। वो में हो जाता है कहीं नहीं हो जाता पे, मगर गृहस्थ के आयुष में कुछ फर्क पड़ जाता जी है। हाँ उसमें समय नहीं मिलता, आयुष में समय अपना भजन करने का मिल जाता है इसमें मतलब यही है कि अपना भजन करो, जब हाँ भोजन प्रसादी बनानी हो हाँ तो बना लो, उसके बाद फिर भजन करो। हाँ बस बस यही है। अग्रित माँ तो फांसे रहा, जब मौका मिले तब है। हाँ जी करना भी पड़ता है अग्रित मन ही। जी जी हाँ यही फर्क है बेटा ने। हाँ मतलब ग्रस्त जीवन में मतलब काफी उलझने हैं, फंसे रहते हैं लोग। हाँ हाँ बस यही बात है। हम भजन कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। अब हमें भजन तो करना, फिर काम में दूसरे लगा है दिमाग। जी जी इसमें है तो अपना भजन भरे का काम, किसी के सुनने का किसी के मतलब से नहीं है। जी करो अपना भजन जब तक करना है, जी जब फुर्सत हो जाए तो अपना जो मिले तो भोजन प्रसाद करो, अपना बैठो उठो बस शाम सुबह या भगवान के भजन है बेटा। तो माता जी यहाँ पर मतलब खाने पीने की कैसे व्यवस्था हो पाती है? खाने पीने का बेटा सब जो है जैसे जैसे भगवान सब मिलता जुलता रहता है आप एक अच्छा, दूसरे कोई से। भक्त आ गए तो हाँ जैसे कोई आ गया, कोई है गरीबों संतों की कुटिया है जी जी तो कैसो में कैसो भगवान चलाते हैं बेटा। जी हाँ जो भगवान का भजन करते हैं तो चलाते हैं। जी हाँ ये है। मतलब कहीं पे आप मांगने नहीं नहीं जाते? नहीं 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 बेटा हम मांगने नहीं जाते। जी हाँ यहाँ पे जो भक्त जुड़े हुए हैं उन्हीं के आश्रय हाँ से जो मतलब आ आते जाते हैं हैं। जो मांगने नहीं जाते हैं। जी हाँ भगवान की प्रण रहा है, अपना ही जो मिलना उसी को प्रसाद करना। जी हाँ तो माता जी आपके गुरु कौन है? गुरु जी हमारे गुरु पंजाब के हैं। अच्छा, हाँ आपने वहां से गुरु दीक्षा ली है? हाँ वहाँ से गुरु भी चल लिया। अच्छा आप भी अब गुरु रहे थे तो हमारे वो गुरु खत्म हो गए हैं। अच्छा खत्म हो हाँ गए। तो अपने हम गुरु पंजाब के हैं। अच्छा हाँ तो अपने गुरु के पास जाते हैं ना, हो जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जब मौका मिला तो हो जाते हैं गुरु के पास। हाँ तो माता जी मतलब इस लाइन में आने से पहले गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बनाना जरूरी, जी जब भी तो लाइन बनेगा जी गुरु नहीं है तो क्या मतलब होगा। गुरु पहले से बना, जब हम ग्रेट बार बना जब गुरु बना लिए तो। जी हाँ माता जी हम आज के डेट में देखते हैं बहुत से साधु संत हैं, वो तो गृहस्थी जुहाए पड़े हैं, मोह माया में फंसते जा रहे नहीं हैं। नहीं नहीं हमारा बेटा जो है तो अपना जो हमारा फर्ज रहा सो कर दिया, निभा जी दिया, बाल बच्चों को जो रहा टूटा फूटा दे दिया, बेटा करो खाओ अपना। जी हाँ जब जाना है आखिर जाओ, कनु जरूरत की काम ही तो हो जाते हैं, ये नहीं जी है कि जाते रहें जाते रहें, ऐसी बात कभी नहीं। कभार जाते हैं। हाँ कभी कभी जब होता हो ऐसा ही तो हमारा है अपना भगवान का भजन किया बस। माता जी आप जब संन्यास ली होंगी तो आपके साथ के मतलब और भी जैसे माताएं रही होंगी तो वो आपको कहती नहीं रही कि आप क्यों संन्यासी बन रही आप हैं? तो कहते हैं जिसको जैसे अब करना है तो करना, तुम कहते हो कि बेट माता जी गा घर में रहो नहीं जाना, हमें का हमारी मन जो लगा है तो जी क्या करेगा, जी जो है तो उसी में वही लगेगा। जाएगा, हाँ ये है दुनिया कहती रहती है। दुनिया, कोई कहता कि ऐसा काम नहीं जाना हो ना जाओ इसी रहो, जी तो मान लो हमें जाना है जी तो क्या करें, को कह के हमारी आत्मा जो आत्मा नहीं वहीं है जुड़ी हुई। तो जी आत्मा जी तो हमारी हो जुड़ी है तो सही, क्या होगी, अपनी आत्मा की कहे उससे चलो कि दूसरे की कहे से चलो। बिल्कुल सही बात, जो आत्मा कहे वही करना चाहिए। हाँ अब हमारे अपना ये है कि चलो कुछ, अरे अभी तक तो गिरती में रहा बेटा, जी जीवन तो अब बढ़ाया थोड़ा रह गया है तो जी कुछ दिन का जो हो टूटा फूटा तो कर लिया। मतलब जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे लोगों का भला हो? अभी लोगों का देखो अब क्या करना चाहिए, सब अब देखो जब बच्चे हो बाल बच्चे हो उन्हें पाला पोसा, जो है करा के जी जो है सब रिश्तेदार नात सब देखा सुना सब कर दिया, जी और अब तो बेटा हमारे भी समय निचकाए आई तब जी जी तो बेटा अब रोज का रोज हाथ पार थकना तो कुछ भजन तो करो भगवान का, तो उसमें कुछ कट जाएगा। कट जाएगा जी पाप है तो जीवन की अच्छाई होगा, जी यही है बेटा इसमें जीवन में। हाँ लास्ट समय जब आता है तो लोग भगवान का नाम लेने लगते हैं, जिंदगी अब जीवन भर नहीं लेते।
तो जब जीवन भर नहीं लेना फुर्सत नहीं मिलती है गृहस्थि से, तो कैसे जीवन भगवान का नाम लेके पहुंचते ही नहीं जी। ऐसे है उसमें लोभ में, और जब लोभ को छोड़ दिया तभी तो भगवान का नाम फुर्सत में ले पाएगा, नहीं ले नहीं पाएगा जी। हाँ माता जी, भगवान की प्राप्ति होगी कैसे, कैसे पहुंचेंगे वहां तक हम? और कैसे पहुंचेगा, अब तुम अब बाल बच्चे हो, करते हो तो ये भी भजन करते हो, ये भी भजन है जी। हाँ, ये भगवान की तुम करते हो सेवा संतों की, तो ये भी भजन है, यही भगवान के सहारा मिलता तब भी तुम करते हो, अब बिना इसे नहीं करते हो, उसी का जब प्रेरणा है ईश्वर की जब की करते हो, तो इसी तरह तुम्हें भगवान की भजन करना हो तो ये पहुँचेगा, हाँ सहारा मिलेगा। हाँ हमारे महाराज जी हैं तो सफेद कपड़ा पहनते हैं। अच्छा। हाँ आ कोई देखे किसी गृह में सफेद कपड़ा, उनके गुरु पहनते हैं सफेद पहनते हैं। अच्छा। हाँ कहीं कपड़ा जो गुरु है वो लालो पहनते, जो उसकी मर्जी में तो लालो पहन लेती है, ऐसी ये नहीं है जी, जी। हाँ जो मनाए भजन करना है बाकी कपड़ों से क्या लेना? ना ना ना, अपनी जो है आत्मा सही है जी, चाहे तुम भूखे से करो चाहे पेट भरे से करो, भजन करना है तो भगवान के भजन, वो तो भगवान सब देखता है, भला बुरा कुछ भी करेगा बेटा जी, गलत करेगा तो वो भी देखता है, अच्छा करेगा तो वो भी देखता है। वहां तक माता जी कैसे पहुंचेंगे? पहुंचेंगे इसी तरह, भजन लगा है तुम्हारी दिल लगी है, अब तुम कहीं भगवान के इसी कुटिया में जाते हो, सबके लेते हो, सबके देखते हो संतों का जी, तुम्हें प्यार है संतों की लग पहुंचते हो जी, इसी भगवान पहुंचाएगा बेटा। हाँ इसी सहारा है राजा ने। हाँ। माता जी कहते हैं कि भगवान तो अपने अंदर ही है, तो भगवान खोजने की जरूरत, आप जो कहते हो तो भगवान तब तुम्हारे पास ही बैठे हैं, चाहे भगवान जहाँ जाओ पास में है जी, आत्मा हमारी है सही, तो आप पास में बैठे जी, किसी को पूछे का ढूंढने का काम नहीं है जी, वो आपका आत्मा नहीं है सही बेटा, भगवान कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। जीवन में फटफटाव नहीं मिलेगा जी, नहीं आप भगवान अंदर सबके हैं जी। हाँ पाप करे तो भी उसके अंदर है, पुण्य करे तब भी उसके अंदर है, भगवान तो सबके अंदर बैठा है, उसे पहचानने की देन। हाँ, पहचानने की हो, उसको तुम पहचान पाते हो तो पहचान लो, नहीं पहचान पाते तो अपना करो जी, बस यही है। माता जी पहचाने कैसे है? पहचान कैसे पाए? पहचान अब पाएगा तुम अब सच बेटा, तुम बहुत तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा ये जो है सिद्धांत बिल्कुल सच में चलता है, पाप में नहीं है जी, कोई इधर उधर किसी की उसमें नहीं है कि बेईमानी में, यही है भगवान के है पहुँचना, वो हो भगवान तुम्हें ऐसे नहीं आएगा नहीं। हाँ सच्चे सच्चे रास्ते पे सीधे रास्ते आप तुम देखो अपनी बहन बेटी समझ के सबको देखते हो जी, अपनी माँ माता देखते हो जी, तो यही तुम्हारी सच्चाई है, किसी में कोई का धन दौलत से तुमसे मतलब नहीं, पर हो तो परे रहने दो जी, हमसे मतलब नहीं, वही भगवान है, वही भगवान के सहारे वही भगवान तुम्हारे अंदर आ चलता है जी। अब यही माँ तुम गांजा पीते हो दारू पीते हो भांग पीते हो, किसी के चार गाड़ी इधर दिया चार गाड़ी उधर दिया, ये सब पाप की गड़ी है बिल्कुल पाप में आता है। अब जब तुम पुण्यों करेंगे तो सब चला जाएगा, क्या मतलब है तुम्हारा, इसी से बेटा भगवान पहचान भगवान है, सबको भगवान इसी से मिलते हैं, अरे भगवान कहूँ गली में नहीं बैठे, भगवान अंदर सबके बैठे। हाँ अब तुम ले हो चल दो, भगवान सब देखते हैं क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं आप बुरा कर रहे हैं, ये सब भगवान देखते हैं, सब भगवान की पूजा करते हो तुम जी, हाँ ये सब भगवान की ईश्वर की पूजा कर रहे हो, हाँ ये तो पाप नहीं बेटा, बहुत तुमको बड़ी सच्ची गली मिलेगा जी। हाँ आप कहीं जाओ तुम्हें कोई फायदा नहीं। माता जी साधु संतों के सत्संग से मतलब लोगों को क्या लाभ होता है? लाभ होता है उनकी जो बुद्धि है जी, इधर उधर घूमती है, उनके साधु संतन की संगत है जी, जाओ पुरो जानो, उसकी बुद्धि जो है अलग हो जाती है, पाप दुख जो दूर हो जाए, उसको दिमाग लग जाता है जी, भगवान के भजन में भगवान की ध्यान में जी, ये लाभ है, जो तुम्हारा बुरा कर्म हो सब
कट जाता दूर हो जाता है बस ये। आपका माता जी कैसा अनुभव रहा इस जीवन में आके? बेटा सब अनुभव भगवान दे देता है, जब उसकी लगन लग गई जी तो भगवान सब दे देता है, आपसे नहीं मिलता किसी से के कैसे हो, वो जो उसकी भीतर से इंद्री है हमारी लगी है जी। वो सब कहते हैं कि रास्ता में चलो ये काम करो जी। आपसे नहीं होता के पैसे जी। हाँ माता जी कभी आपको दर्शन हुए? हाँ? दर्शन हुए कभी? हाँ दर्शन कहे न होगी। किस रूप में माता जी आपको दर्शन हुए? अब देखो अब आप जैसे भगवान भजन करते हैं तो आप दर्शन है आ गए तो भी दर्शन मिल गए, दर्शन ही है अगर ना आते तो कैसे दर्शन मिलते जी। अब हमारी दर्शन न मिलते ना तुम्हारी दर्शन हमका मिलते जी। आप आए हो तब तो दर्शन मिले जी। हाँ माता जी कभी आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ? हाँ जो हो तो वो सब वो अब अपना जीवन सब तरह से अपना बिता दिया जी। अब तो अब राजा थोड़ा दिन काम रह गया, अब जिमकी नगरिया है जी भजन करो बढ़िया बैठ जाओ अच्छे से अपना समाधि लगा के भगवान की ध्यान करो जी। हाँ 1 घंटा करना है 2-4-10 मिनट का कमाओ का है कर लो भजन उसी मिश्र की थोड़ा टाइम निकाल के रोज डेली करना चाहिए। हाँ थोड़ा से टाइम नहीं ज़्यादा टाइम 10-15 मिनट का टाइम निकाल के भजन कर लो भगवान की प्रेरणा तुम्हें आप आने लगेगा जी। हाँ जीवन में थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत जरूरी है, थोड़ी से टाइम निकाल लो थोड़ा टाइम में ही भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद हो जाता है बेटा जी। भगवान का नाम तो सब दिन लेता जाता है जी। लेता है जी। मगर गिरिट बाल में है तो थोड़ा से इधर उधर रह इसी काम उसी काम इसमें दिमाग तो रहता है मगर फिर उतना नहीं रहता उतना नहीं रहता है। और जब उनसे बिल्कुल लगन लगा दिए सबसे छोड़ दिया दूर हो जाओ जी तब भी पूरा लग तब फिर लग जाता लग है जाता फिर भगवान के भजन में रहता है जी। जब अपने काम धाम सब दुनिया से सब बिल्कुल रहता होगा अब भगवान के सहारे हैं उसी की लगन लगे ये है नहीं है? बिल्कुल। अब जैसे बहुत से लोग चले जाते हैं जैसे पति पत्नी चले गए तो लोग कहते हैं अरे उनका लड़का नहीं रखा छोड़ दिया तो चले गए संत बन गए। आप भी कुछ कोई कहे बेटा जो आप करना है जी तो करना कोई कुछ कहना हमें कुछ क्या कहना किसी से क्या कहना? हमें तो जो करना वही में लगे हैं जी आदमी है देखो है कुछ भी बताता रहते हैं जी। अब आप तुम ऐसे बैठो दूसरी जगह जाओ कुछ भी बताओ क्या है भगवान की लगन तो हम तो भगवान के भजन में है वो है जो कृष्ण कहे हो सब ऊपर वो देखते हैं ही है ना जो किसी की हंसी उड़ाएगा किसी संतों की को किसी तो वो तो भगवान को तुम्हारे ही तुम्हें का भोगेगा आप भी नहीं भोगेगा तुम भी भोगेगा। कहते हैं माता जी जो जैसा करते हैं उनका फल मतलब इसी जन्म में मिल जाता है वही यही जन्म में बेटा दिखा दे तो वो अगले जन्म का नहीं रह जाता जी। अब जो यही में नहीं पूर होता तो अगले में भी भगवान पूर करता कि लो तुम बहुत भारी गलतियों किया बहुत भारा पाप किया तो वो तो काटना पड़ता है सही बात जब उन्हें हुनर से काटो वही काटना पड़ता है उसे काटना पड़ेगा जो मतलब बोएंगे हमें वही तो मिलेगा। अब हम खेत में तुम गेहूं बोए तो गेहूं तो कटी चना तो काटे ना तो बस बेटा यही है जो करेगा अच्छे काम करेगा तो अच्छे तुमको फल मिलेगा अच्छा सब मिलेगा तुम्हारी रास्ता साफ रहेगा कोई कुछ तुम्हें कांटा लगेगा नहीं जी। अगर तुम अब बुरे काम मत बेटा कांटा चाहिए जाता ना जूता पैरों कांटा तो लग जाएगा कांटा लग लगेगा भी मानेगा नहीं यही है इसीलिए संत बुजुर्ग कहे गए कि मतलब सही रास्ते पे चलिए। हाँ आप जो है मात पिता तो गलत तो बताई है ना नहीं किसी के मात पिता हो रास्ता लड़को हो लड़की हो अच्छी अच्छी बात बताएगा अच्छी रास्ता रेंगाएगा। अब आप मात पिता तो कह दे तुम इधर नजर से वाटो तो कुछ भी करो तो क्या करें अब मात पिता पास तो ही लगे हैं नहीं लगे तो इसी तरह गुरु है गुरु अच्छी राय बताएगा अच्छी मार्ग बताएगा। अब आप नहीं आते बोली तो जो करना हो तो करो बिल्कुल हाँ रास्ता बता देंगे चलना खुद पड़ेगा अब गुरु करा है रास्ता बता दिया इसे चल अब हम नहीं चलते नो रास्ता में तो गुरु क्या करे गुरु तो दे दिया ज्ञान अब चेला चाहे अपने रास्ता को साफ रखे चाहे उसमें कांटा रोंद दे सही बात है हाँ तो आप भी संभरा पड़ कर बेटा अपनी संभर के चलो कोई रोकने वाला नहीं सही रास्ते पे चलिए मतलब तो आप कुछ कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा उसको उसको भगवान तुम्हारी ये कठिनाई के देख हो गए तो वो तुम्हारी कठिनाई दूर हो जाएगा जी। हाँ
इसीलिए तो आदमी भगवान के भजन करता है, कुछ में कुछ तो हमारा फर्क तब तो करते हैं। बिल्कुल है? यही है बेटा। माता जी का ऐसी जगह पे दान करना चाहिए। अब बेटा दान करना, अब आपकी देखो कोई गरीब है जी। कोई गरीब के देखो कोई पड़ा है, गिरा पड़ा, उसको उठाना पड़ेगा वो बड़ा भारी पुण्य है जी। कोई गरीब है उसको तुम खिलाओ पिलाओ, उसको दे वो उठाओ लगाओ, उस बड़ा भारी पुण्य है जी। अब जो अमीर है उसके का लगाओ तो का लगाओ, सही बात, तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। उसका लगाओ तो का लगाओ बताओ तो है। बिल्कुल। अब संतो किसी की झूठी झूठी है नहीं है, उसकी जपारी है, उसको तुम सहारा दे दो, वो भर सहारा है ही गिरा है बेटा। भूखे को खाना दे दो, प्यासे को पानी दे दो, कोई प्यासा उसको खाना दो, किसी के कपड़ा नहीं उसको तुम कपड़ा ढाक दो, उसको कपड़ा दे, ये सब बेटा यही है पुण्य राजा। इसका भी माता जी कुछ फल मिलता है? आओ बेटा फल नहीं तो का, इसे बहुत बड़ा फल है जी। अब कहता कहा तो गिरा पड़ा है, अब तुम रास्ता सुचाई दे तो उठा के खड़े कर देना, कितना बड़ा तुम्हें पुण्य मिला जी। अब वो गिरा पड़ा है उनार नहीं पाता, उनार दिया जी, उसको पानी पिला दिया, उसको खाना खिला दिया जी। भगवान की देखो कि भगवान देखते बहुत से देखो सहारा कर, आप भी कर तुम्हें बड़ा भारी फल हो जाएगा उसके पाछे। बिल्कुल ठीक है माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।